अखिलेश यादव के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मिजाज कांग्रेस को लेकर बिगड़ा सा नजर आ रहा है। वहीं नीतीश कुमार ने अब इस पर खुलकर बात करते हुए कहा है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पूरी खबर जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। जैसे कि देश में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इन चुनावों के पहले ही 5 राज्य में विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं, जिसकी तैयारी में बीजेपी और कांग्रेस में होड़ मची है। हालांकि इस लिस्ट में सपा पार्टी का नाम भी शामिल है। ये सभी पार्टियां चुनावी रैलियों और दौरे में इतना खो गई हैं कि किसी को इंडिया गठबंधन की फिक्र ही नहीं हो रही। ऐसे में नीतीश कुमार ने कांग्रेस पर नाराजगी जाहिर की है। दरअसल इंडिया गठबंधन की नींव रखने वाले नीतीश कुमार ने उसी गठबंधन में शामिल कांग्रेस को लेकर एक चौंकाने वाला बयान दिया है। नीतीश कुमार ने पटना में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस की दिलचस्पी इंडिया गठबंधन में कम और 5 राज्यों के चुनाव में ज्यादा है। इससे पहले कांग्रेस को लेकर अखिलेश यादव के भी तेवर कुछ तीखे ही देखने को मिले थे। बता दें कि पटना में एक कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान नीतीश कुमार ने कहा कि हमने सभी दलों से बात की, एकजुट होने और देश को उन लोगों से बचाने की अपील की जो इसके इतिहास को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए पटना और अन्य जगहों पर कई बैठकें भी आयोजित की गई। नीतीश कुमार ने आगे कहा कि इंडिया अलायंस का गठन किया गया, लेकिन इस गठबंधन में कुछ खास होता नजर नहीं आ रहा है। हालांकि बीजेपी को लेकर नीतीश कुमार के तेवरों में अभी भी कोई बदलाव नहीं आया है। उसी कार्यक्रम में उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम कराने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोग कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। 2007 से हमने अपने आप को काफी कंट्रोल करके रखा था। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इस महीने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की दिलचस्पी उसमें ज्यादा है। हम सब मिलकर कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस की दिलचस्पी इन चुनावों में ज्यादा है, गठबंधन में कम। उन्हें अभी इस गठबंधन की चिंता नहीं है, वे अभी 5 राज्यों के चुनाव में व्यस्त हैं। हो सकता है इस चुनाव के बाद बेखुदी सबको बुला लें। गौरतलब है कि इंडिया गठबंधन बनाने में नीतीश कुमार की सबसे अहम भूमिका रही है। ऐसे में गठबंधन को लेकर दिए गए बयान को गठबंधन के लिए अच्छा नहीं माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, KBC न्यूज़।